हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एएसएस स्टार्टर में। तो देखिए, आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और आप सभी को नंबर भी मिल गए होंगे। आपके नंबर कैसा है बता सकते हैं। तो अब आपके ना टर्म टू स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जो सेकंड टर्म है एनुअल एग्ज़ाम। तो अब आपको सिलेबस की ज़रूरत पड़ेगी और मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो है ना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप पहली से लेके 12th क्लास के बीच में हैं, ठीक है। अगर आप पहली, दूसरी, पांचवी, आठवीं, नौवीं, दसवीं किसी में भी क्लास में है तो DOE की तरफ से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल तरीका है, अपने फ़ोन से आपको कहीं नहीं जाना है। तो देखिए, गूगल क्रोम आपको खोलना है, उस पर आपको लिखना है DOE। DOE लिखने के बाद आपको सिंपल फर्स्ट साइड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से ना पब्लिक सर्कुलर जो होते हैं ना DOE के, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको अकेडमी एंड एग्जामिनेशन पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एकेडमी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप सिलेबस देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे टर्म वाइज सिलेबस 23-24 सेशन का, नए सेशन का। तो अगर आप जो है छठी में हैं, सातवीं में हैं, कोई भी क्लास में है ना, तो सिंपल आपको जैसे अगर आप 10th में हैं तो 10th पे आपको क्लिक करना है सामने लिंक पे, ओपन लिंक। तो यहाँ पे अब टर्म वाइज सिलेबस आ जाएगा। तो आपका जो मिड टर्म का सिलेबस था ना, यहीं से आपको मिला था, ठीक है, यहीं से मैंने आपको प्रोवाइड करा था। तो अब आपके फाइनल टर्म के एग्ज़ाम होंगे ना, तो वो भी आपको यहीं से ही मिलेगा। तो सिंपल अगर आप इंग्लिश का सब्जेक्ट का चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। ठीक है, तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप आराम से। तो ये आपका सिलेबस है। तो ये तो फर्स्ट टर्म का था, मिड टर्म का, ठीक है। तो आप आपके जो मिड टर्म का होने के बाद आपका ना पूरा कंप्लीट सिलेबस आएगा, मिड टर्म का मिलाकर और जो फाइनल टर्म का है सारा मिलकर आएगा। ये सारा आप देख सकते हैं। और जो 10th वाले बच्चे ना, उनका प्री बोर्ड का भी आपका सिलेबस जो है इसमें ही है, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है प्री बोर्ड एनुअल एग्जाम वुड कवर कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। प्री बोर्ड में भी पूरा सिलेबस आएगा और फाइनल टर्म में भी आपको पूरा सिलेबस आएगा। 9th और 11th का तो होते नहीं है, वो 10th एंड 12th के प्री बोर्ड के होते हैं, तो उसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिलेबस है पूरा। तो पूरे अपने हिसाब से आप जो है ना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं 9th का भी दिखा देता हूँ। 9th पे आपको क्लिक करना है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इंग्लिश से चाहते हैं तो इंग्लिश पे क्लिक करने के बाद PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आ गया एनुअल एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये जो मिड टर्म का एग्ज़ाम सिलेबस था सारा, ठीक है। तो अब आपके फाइनल टर्म में सारे चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैं लास्ट में दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो सिलेबस है ना आपका 31 जनवरी तक कंप्लीट भी हो जाएगा और फुल सिलेबस विल बी कवर, मतलब पूरा सिलेबस आपके एनुअल एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो ये था, और कोई अपडेट होगी ना मैं आपसे जरूर शेयर भी कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और मैंने ना डायरेक्ट लिंक पे दे दिया आपको, सीधा आप डायरेक्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।